नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान बीसीसीआई को लेकर बयानबाजी करता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुछ हैरान करने वाला बयान आया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व पाकिस्तान टीम के कप्तान इमरान खान ने बीसीसीआई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इमरान खान ने कहा है कि दुनिया भर के क्रिकेट को भारत अपने नियंत्रण में रखता है। बता दें कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच रद्द सीरीज के सवाल को लेकर इमरान खान ने कहा कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड में अभी भी यह भावना है कि वो पाकिस्तान जैसे देशों के साथ खेलने के लिए एक महान उपकार करते हैं। इसके अलावा उन्होंने पैसे को भी एक बड़ा फैक्टर माना। पाकिस्तान के साथ जैसा किया गया है वह भारत के साथ कोई देश नहीं करेगा। भारत जो कहता है वही सब देश करते हैं। कोई भी भारत के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें शामिल रकम के अलावा भारत बहुत ज़्यादा पैसा भी देगा। वैसे इमरान खान को अपनी औकात तो पता ही हो गई कि उनकी औकात 2 करोड़ से भी कम है, फिर भी वो भारत और बीसीसीआई पर तंज कस रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अपने देश में पहले वो आतंक खत्म करें, उसके बाद किसी टीम को अपने देश में खेलने का सपना देखें। फिलहाल आपको बता दें कि पिछले महीने ही न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को एक प्रकार से आतंकवादी देश करार देते हुए टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया था। उन्होंने 5 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज रद्द कर दी थी। उसके बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। फिलहाल खबर यही है कि पाकिस्तान के इमरान खान बौखलाए हुए हैं और पूरा दोष वो बीसीसीआई और भारत पर मढ़ रहे हैं। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।